आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी 10 लिपस्टिक्स, न्यूड लिपस्टिक्स एंड थोड़ी सी डार्क भी हो सकती हैं, जो विंटर के लिए ना परफेक्ट है। अगर आपको विंटर में बहुत ही ज्यादा हैवी सी मैटिफाइंग सी लिपस्टिक्स अच्छी नहीं लगती, यू वांट सम अमेजिंग हाइड्रेटिंग लिपस्टिक्स ना, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। वीडियो का अंत तक जरूर देखना, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बिना कोई बकवास किए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट रोलिंग। हर जितनी भी मैं आपके साथ लिपस्टिक शेयर कर रही हूँ ना, उसका प्राइस आपको साथ के साथ स्क्रीन पर दिखता जाएगा ताकि आपको पता लग जाए कि आपको बाय करनी है कि नहीं करनी। एंड अगर आपको करनी है तो फटाफट जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, वहां पे आपको मेरा बाइंग लिंक भी मिल जाएगा, वहां से जाके बाय कर सकते हो। फर्स्ट लिपस्टिक इज दिस वन, दिस इज दी फेसेस कैनेडा ऑल टाइम प्रो मैट लिप क्रियोन। ऑल्दो इट सेज कि एक मैट लिप क्रियोन है, बट ट्रस्ट मी दिस इज going to be your favorite lip crayon. यहाँ पे जो मेरे पास शेड है ना, दैट इज पिंक लवो 29 और 23 आपको पता लग जाएगा। इसमें ना मेरे पास एक और शेड था, कश्मीर 23, आई लव दैट शेड। एंड ये वाला जो मैंने न्यू शेड ट्राई किया ना, पिंक लवर 29, दिस इज माय मोस्ट फेवरेट शेड एट दिस टाइम। लाइक अभी मैंने कोल्ड गर्ल मेकअप लुक आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने ये वाला लिपस्टिक यूज किया था और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि क्या लिपस्टिक लगाया। लाइक लिटरली ना अभी मैं हर वीडियो में यही लगा रही हूँ, बिकॉज आई हैव बीन लविंग इट। दिस इज सच एन अमेजिंग लिपस्टिक गाइज। मैं आपको ना इसका स्वॉच दिखा देती हूँ, दिस इज हाउ द स्वॉच ऑफ दिस लिपस्टिक लुक्स लाइक। बहुत ही ब्यूटिफुल सा शेड है, बहुत ही ब्यूटिफुल सा न्यूड पिंक एंड ब्राउनिश सॉर्ट ऑफ शेड है। एंड दिस इज सो स्मूथ। जिन लोगों ने भी फेसेस कैनेडा के लिप क्रेयन ट्राई किए होंगे ना, उन लोगों को पता होगा मैं क्यों कह रही हूँ इतना स्मूथ है, बिकॉज इट लिटरली ग्लाइड्स लाइक बटर ऑन योर लिप्स। इस पे लगने के बाद ना इसकी फिनिश एकदम मैट हो जाती है, एकदम मैट फिनिश दे देता है, बट एट द सेम टाइम ना आपके लिप्स इतने हाइड्रेटेड फील रहते हैं। फिनिश भले ही मैट है, लेकिन जो एक रिजल्ट मिलता है ना आपके लिप्स के ऊपर, वो बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग होता है। एंड आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपके लिप्स बहुत ज्यादा हैवी हो रहे हैं। ये हल्का हल्का ना आपके क्रैक्स के अंदर सेट हो सकते हैं, लिप्स के क्रैक के अंदर, बट ऑल यू नीड टू डू इज That's it. एंड ये वापस से सही हो जाती है। सो दिस इज समथिंग आई विल हाईली रिकमेंड। अगर आपको बहुत ही ज्यादा कुछ हैवी या ड्राइंग लिपस्टिक लगाना अच्छा नहीं लगता विंटर्स में, यू हैव टू ट्राई आउट दिस लिपस्टिक। नेक्स्ट अप इज दिस Maybelline अल्टीमेट लिपस्टिक। दिस इज दी अल्टीमेट लिपस्टिक, सॉरी मेरा जो इसमें शेड है ना, दैट इज मोर टॉप। आई सॉ बोहो गर्ल यूजिंग दिस पर्टिकुलर लिपस्टिक एंड तब से जब मैंने ये यूज किया तो मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है। ठीक है, पैकेजिंग इस टाइप की इसकी कुछ मिलती है। वेन यू ओपन इट अप, दिस इज हाउ द लिपस्टिक लुक्स लाइक। मैं आपको इसका स्वॉच दिखा देती हूँ, दिस इज वेरी क्रीमी अगेन गाइज, बहुत ही ज्यादा क्रीमी लिपस्टिक है। लेट मी जस्ट शो यू, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आप देख सकते हो कितनी ज्यादा इजिली ग्लाइड हो जाती है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको बाय करोगे ना, यू माइट फील कि थोड़ी सी रफ फील हो रही है, बट उसके बाद ना ये बहुत अच्छी लगनी स्टार्ट हो जाती है। इट हैज दिस परफेक्ट वार्म ब्राउन कलर फॉर विंटर्स, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। लाइक विंटर्स में तो थोड़े से डार्क कलर लगाने बनते हैं यार, विंटर में बिल्कुल न्यूड कलर लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे से लिप्स के ऊपर ग्लाइड हो जाती है, बट फिनिश एकदम मैट देती है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है। अगर आप इसको एक लाइट नहीं बोलूंगी, थोड़े से डार्क कलर के ब्राउन लिप लाइनर के साथ पेयर करोगे ना, दिस इज गोइंग टू लुक सो ब्यूटीफुल। लेकिन मेरी मम्मी का गो टू कॉम्बिनेशन है, एक ये और एक स्विस ब्यूटी का कुछ लिप लाइनर है, मुझे इसका नेम याद नहीं है, चॉकलेट करके। इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन लगता है ना, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। तो अगर आपको एक बुलेट लिपस्टिक चाहिए, आपको क्रियॉन वगैरह नहीं चाहिए, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। नेक्स्ट अप आई हैव इज दिस लिप क्रियॉन, दिस इज दी प्रो टाइम फेसेस कैनेडा ऑल टाइम प्रो HD इंटेंस मैट लिप्स प्लस प्राइमर लिप क्रियॉन। बहुत लंबा नाम था मेरा जिसमें शेड है ना, दैट इज टीज 14। यार आई फील लाइक ना कि फेसेस कैनेडा एक्चुअली जो अपने लिप क्रियॉन्स और लिपस्टिक्स बनाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। इस तरीके से ये ओपन अप होता है एंड दिस इज हाउ यू रिसीव। ये रिट्रैक्टेबल फॉर्म में है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। लेट मी जस्ट शो यू इट्स स्वॉच अगेन, दिस इज वेरी वेरी क्रीमी लाइक, मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ऑल्दो एट द सेम टाइम इसका जो शेड है वो भी ना बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आप देख सकते हो वन साइड में आपको बढ़िया वाली पिगमेंटेशन मिलती है एंड द कलर इज सो प्रिटी, आई लव इट्स कलर। यार इसका ना कलर बहुत ही ज्यादा एक क्यूट बाबी टाइप कलर होता है ना, उस टाइप का कलर है। अगेन दिस इज वेरी वेरी स्मूथ, लिप्स पे लगाने में बहुत ही ज्यादा स्मूथ लगती है, फिनिश मैट देती है। मैं आपके साथ ना बहुत ज्यादा इस टाइप की लिपस्टिक शेयर कर रही हूँ जो फिनिश आपको मैट या सेमी मैट देगी, बट एट द सेम टाइम लिप्स के ऊपर ना बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग लगने वाली है। एंड ये बहुत ही अच्छा है, इसकी ना कलर रेंज भी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हो। आई लव दिस लाइक, मुझे फेसेस कैनेडा का नॉट गोना लाइक, जो ये वाला मैंने आपके साथ पहला लिप क्रेयन शेयर किया था ना, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। ये वाला उतना स्मूद नहीं है, बट ये वाला भी बहुत ज्यादा स्मूद है, लिप्स के ऊपर बहुत ही अच्छे से ग्लाइड कर जाता है। नेक्स्ट लिपस्टिक इज दिस वन, दिस इज दी लॉरियल की पेरिस
सिग्नेचर कुछ कुछ करके है, आपको स्क्रीन पे नाम दिख जाएगा। मेरा इसमें शेड है 116 आई एक्सप्लोर। दिस इज अ काइंड ऑफ लिपस्टिक विच आई लव। ये मैंने शाय स्टाइल्स की देखी थी। लाइक ऑब्वियसली गाइज, मैं ये नहीं है कि अगर मैं यूट्यूबर हूं तो मैं बाकी लोगों के चैनल्स नहीं देखती हूँ। आपको पता मैं लाइक घुस घुस के देखती हूँ लोगों को, मेरे को बहुत मजा आता है, मेरे को लोगों की रिकमेंडेशंस अच्छा लगता है कि मैं भी ट्राई करूं ताकि मैं भी अपना पर्सनल रिव्यूज के ऊपर शेयर कर पाऊं। ऐसा नहीं है कि उसने शेयर किया तो मैं क्यों ट्राई करूं, आई एम नॉट लाइक दैट। तो ये शाय स्टाइल्स ने शेयर की थी, उन्होंने कहा था कि अगर आपने ये न्यूड लिपस्टिक नहीं ट्राई की तो आपने न्यूड लिपस्टिक नहीं ट्राई की, तो मैंने फटाफट इसको बाय कर लिया। एंड दिस इज सो गुड। ओनली थिंग इसके अंदर ना सिर्फ ये है कि ये ना बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, थोड़ी सी ना ट्रांसफर हो जाती है, दैट्स द ओनली थिंग। बट विंटर के लिए ना दिस इज परफेक्ट बिकॉज ये लिप्स के ऊपर उतनी ज्यादा कंफर्टेबल है ना, जस्ट इट ग्लाइड सो स्मूथली। मैं आपको ना इसका प्रॉपर स्वॉच बना के दिखाती हूँ। मेरे को ना जब तक एक प्रॉपर ऐसे स्क्वायर बॉक्स ना बन जाए ना स्वॉच का, मेरे को मजा नहीं आता लिप्स वॉच दिखाने में। मेरे को चाहिए होता है कि एकदम प्रॉपर स्वॉच दिखना चाहिए केपी फैम को, लाइक पता लगना चाहिए कि हाँ लिपस्टिक इस तरीके से दिखती है। सो द स्वॉच इज रेडी, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, सो ब्यूटीफुल। बहुत ही प्यारा न्यूड कलर है। तो ओनली थिंग जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, थोड़ा सा ट्रांसफर होती है, दैट्स द ओनली थिंग। बट लिप्स पे लगाने के बाद ना बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग है, फिनिश मैट देती है एंड बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाला स्टे है, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता, इतनी लाइट वेट है ना, लिटरली आपको फील ही नहीं होता है कि आपने कुछ लगा भी रखा है, उतनी ज्यादा अमेजिंग है। मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट है इज दिस, दिस इज द मामा अर्थ का मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक। लाइक इसकी तो मैं क्या तारीफ करूं यार। और आप लोगों को मेरा फेवरेट शेड इसमें पता भी होगा, दैट इज 09 एस्प्रेसो ब्राउन। दिस इज हाउ इट ओपन अप। लाइक जस्ट फटाफट इसका स्वॉच देख लेते हैं। सुंदर, एक तो स्वॉच इतना ज्यादा सुंदर, ऊपर से लिपस्टिक इतनी मक्खन है ना, ये मक्खन लिपस्टिक लिटरली। मैंने अब तक जितने लोगों को ये रेकमेंड किया है या फिर जितने लोगों को मैंने दी है ना ये वाली लिपस्टिक, वो सब मेरे को कहते हैं यार इसके और शेड जरूर चाहिए। ग्लाइड होती है एकदम बटर की तरह आपके लिप्स के ऊपर, फिनिश देती है एकदम मैट, हैवी बिल्कुल नहीं फील होती, स्टे इतना ज्यादा अच्छा है, ट्रांसफर नहीं होती है, स्मज हल्की सी हो जाती है, ट्रांसफर नहीं होती है, स्मज हो जाती है बस हल्की सी, इतनी ज्यादा स्मूथ लगती है लिप्स के ऊपर और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लाइक आप मेरी एक्साइटमेंट देख सकते हैं इस लिपस्टिक के बारे में बात करते हैं, बिकॉज आई लव इट यार, ये इतनी ज्यादा अमेजिंग लिपस्टिक है। जो भी मुझसे पूछता है ना कि एक मैट लिपस्टिक कोई अच्छी सी बता दो, मैं उसको यही नाम लेती हूँ। और थोड़ी सी प्राइस ही पड़ जाती है 599 499, बट इट्स ओके यार, आप इसको एक बार इन्वेस्ट कर रहे हो ना इसमें, वन स्वाइप में आपको एटमोस्ट पिगमेंटेशन मिलती है तो इतनी जल्दी खत्म भी नहीं होने वाली है। एंड यू आर लिटरली गना थैंक मी फॉर दिस लिपस्टिक। एक बार अगर आप इसको ट्राई कर लोगे ना, और कोई आपका मैट लिपस्टिक ट्राई करने का मन ही नहीं करता। नेक्स्ट लिपस्टिक इज दिस वन, दिस इज द मेबेलिन सेंसेशनल लिक्विड लिपस्टिक। मेरा जिसमें शेड है ना, दैट इज न्यूड शॉर्ट, इस तरीके से आपको मिलती है। मेबेलिन की वाली जो लिपस्टिक्स है ना, सेंसेशनल मैट वाली जो रेंज है बहुत अच्छी है। इसमें ना एक शेड है बेस्ट बेब करके, वो मेरा इतना फेवरेट शेड है ना, बट मैं आपके साथ ये वाला शेड शेयर कर रही हूँ, जस्ट टेक अ लुक। इतनी अमेजिंग लिपस्टिक है ना यार ये। फर्स्ट स्टेप तो ना बहुत ही ज्यादा क्रीमी है, लाइक जब आप अपनी इसको लिप्स पे लगाते हो ना, यू फील कि इतनी क्रीमी है, आपको लगता ही नहीं है कि कोई मैट लिपस्टिक है। आपको ना ऐसा लगता है कि आप लिप्स के ऊपर एक लिप क्रीम लगा रहे हो, बट जब ये ड्राई हो जाती है ना, एक तो एकदम मैटिफाई वाली आपको फिनिश दे देती है, एट द सेम टाइम लिप्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। ये भी ना लॉरियल वाली की तरह फील ही नहीं होती कि आपने लिप्स के ऊपर कुछ लगा भी रखा है, इतनी लाइट वेट है, इतनी हाइड्रेटिंग और एकदम मैट वाली फिनिश देती है। नेक्स्ट लिपस्टिक ना आपको थोड़ी सी प्राइस ही लग सकती है, बट लिटरली दिस इज वर्थ द मनी। दिस इज द कीरो की लिक्विड लिपस्टिक, कीरो एयरी मैट नॉनस्टॉप करके कुछ इसका नाम है। मेरे पास इसमें शेड ऑफ वीनस रोज। यार दिस लिपस्टिक, आई टेल यू, दिस लिक्विड लिपस्टिक इज लिटरली मेड फॉर ड्राई लिप्स। जिनके ड्राई लिप्स है ना, उनके लिए ही बनी है ये। जस्ट टेक अ लुक, देखने से उसकी ना खुशबू बड़ी अच्छी है यार, बहुत ही प्यारी सी खुशबू है इसके अंदर। अगर आपको खुशबू वाली अच्छी नहीं लगती ना, तो मे बी आपको ऐसा लग सकता है कि यार नहीं या कुछ भी, बट ट्रस्ट मी यार, दिस इज अ काइंड ऑफ लिपस्टिक जो ड्राई लिप्स वालों के पास जरूर होनी चाहिए, बिकॉज ये ना इतना अच्छा वर्क करती है ना। मैं आपको इसका स्वॉच दिखाती हूँ, सो गुड, बहुत अच्छा शेड है, इतनी हाइड्रेटिंग है लिक्विड, मतलब ऐसा लगता है लिटरली पानी लगा रहे हो लिप्स के ऊपर। लिप्स आप लगाते हो ना, इतनी आपको लिक्विडी, इतनी हाइड्रेटिंग लगती है ना, बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है, एकदम मैट फिनिश देती है, स्मज नहीं होती है, थोड़ी सी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम ना हाइड्रेटिंग बहुत ज्यादा है लिप्स के ऊपर, मैट फिनिश तो दे रही है, स्टे भी बहुत ज्यादा अच्छा है एंड इतनी लाइट वेट है, यू डोंट इवन फील लाइक आपने लिप्स के ऊपर कुछ लगा रखा है। देन वी हैव दिस लिप क्रियॉन फॉर लैक्मे फ्रॉम लैक्मे, ठीक है, दिस इज द लैक्मे एब्सोल्यूट प्लश मैट लिप क्रियॉन। मेरा इसमें शेड है 301 आइस्ड मोका। यार मैं इसको शॉप करना भूल गया, मैं इसका स्वॉच कैसे दिखाऊं मैं इसका स्वॉच को जुगाड़ करती हूँ, रुको। सो मैंने निकाला अपना लिप ब्रश एंड टडा, इतना प्यारा शेड आप देख रहे हो,
बहुत स्मूद है यार ये भी लिप्स के ऊपर लगाने पे। लैक्मे ना मेरे को नहीं पता इतना कॉस्टली कहीं कहीं अपने प्रोडक्ट क्यों निकाल देते हैं, क्वालिटी ठीक अच्छी होती है इनकी बट इनको इतना कॉस्टली नहीं निकालना चाहिए। ये वाला भी ठीक रेंज का है बट स्टिल कई लोगों को कॉस्टली लग सकता है, मुझे तो कॉस्टली लगा था ये टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ये इतना शेड आपको मिलता है, बहुत सुंदर है, अगेन बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग है। आप बोलोगे मैं हर किसी में सेम चीज बोल रही हूँ बट लिटरली मैंने अपने पिटारे में से ना लिपस्टिक्स ऐसी ही ढूंढी है जो एक्चुअल में अच्छी हो, जो एक्चुअल में आप विंटर में यूज कर पाओ। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग है, मैट फिनिश देती है, ये ना स्मज भी हो जाती है, ट्रांसफर भी हो जाती है। ठीक है, तो आपको रीअप्लाई करने की नीड पड़ सकती है बट ना बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है एंड आप जब लिप्स के ऊपर लगाओगे ना कलर बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लाइक आइस मोका शेड इज सॉर्ट ऑफ अ शेड जो आपको बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने वाला है। नेक्स्ट अप इज माय फेवरेट पिंक शेड, माई फेवरेट गो टू न्यूड मेकअप लिप्स, न्यूड मेकअप लिप्स, न्यूड लिपस्टिक, इट्स दिस वन, दिस इज दी लैक्मे की एब्सोल्यूट मेल्ट मैट मिनी। इसकी पैकिंग इतनी प्यारी है यार, इसमें मेरा शेड है न्यूड अम्ब्रेला। ये मेरी ये लगा लो, मेरे जहां मेरे कपड़े होते नहीं वहीं पड़ी होती है कि जैसे मुझे बाहर जाना मैं फटाफट ये उठाती हूँ और ये लगा लेती हूँ। अगर मुझे इसको पूरे लिप्स पे नहीं भी लगाना ना, वट आई डू इज मिडल में लगा के ऐसे ब्लेंड कर लो, ऐसा लगता है आपकी लिप्स नेचुरली पिंक है। Let me just show you its swatch. Just take a look. This is so beautiful. So beautiful this is. बहुत ही प्यारा शेड है, बहुत ना आई विल से कि ये बहुत ही ज्यादा लिक्विडी है, एट द सेम टाइम में लिप्स के ऊपर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, लगाने में बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, मैट फिनिश दे देती है, एकदम ऐसा लगता है कि आपके नेचुरल लिप्स हैं, लिप्स के अंदर क्रैक नहीं होती। इसकी तो मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। इस पूरी रेंज में ना ज्यादातर डार्क शेड ही है बट ये एक इकलौता लाइट शेड था एंड दिस इज लाइक माई मोस्ट फेवरेट लाइट पिंक शेड। एंड लास्ट लिपस्टिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है फ्रॉम प्लूम, दिस इज द प्लूम कॉस्मेटिक्स की लिपस्टिक। मेरा इसमें शेड है सोरे। ठीक है, ये इस तरीके की आपको बहुत ही एलिगेंट एंड शीक पैकेजिंग में मिल जाती है। लेट मी जस्ट शो यू इट्स स्वॉच बिकॉज मेरा हाथ अभी भर चुका है तो मेरे को दिक्कत हो रही है स्वॉच लगाने में। आपको ना जब आप इसको नवा नवा यूज करना स्टार्ट करोगे ना आपको लग सकता है, नॉट गोना लाइक, कि ना ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली मैट है या फिर रफ सी फील हो रही है, लग सकता है। ठीक है, जस्ट टेक अ लुक एट दिस वॉच, आपको लग सकता है बट ना ये लिप्स पे लगाने के बाद ना जब आप इसको दो तीन बार कंटिन्यूस यूज कर लोगे आपको लिटरली ऐसा फील होना स्टार्ट हो जाता है कि एक्चुअली बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। थोड़ी सी है आपको ड्राइंग लग सकती है, थोड़ी सी, ठीक है, बिल्कुल हल्की सी ड्राइंग फील हो सकती है बट अगर आप लिप बाम लगा के कर लोगे ना, जैसे मैंने बाकी लिपस्टिक में बोला बिल्कुल ड्राइंग नहीं है, ये वाली थोड़ी सी ड्राई फील हो सकती है बिकॉज ये थोड़ी आई हैव फेल्ट की थोड़ी ज्यादा मैट है। ठीक है, तो मैट है एंड हल्की सी ड्राइंग फील होगी, आपको सिर्फ लिप बाम लगाने की जरूरत है बट अपार्ट फ्रॉम दैट ना बिल्कुल हल्की सी स्मज होती है, ट्रांसफर नहीं होती है एंड दिस इज एक्चुअली वेरी लाइट वेट। अगर आप ब्रश की हेल्प से लगाते ना तो लाइक लिटरली सोने पे सुहागा हो जाता है, ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट लगती है। एंड या गाइस दीस वर दी 10 lipsticks which I totally love. This is my most favorite lipsticks for winters and I will highly recommend ki aap log bhi zarur try karna. Sare ke sare link niche description mein along with the shade. Jo shade maine aapko dikhaya na wahi shade aapko niche description mein mil jayega to aap wahan se check out kar sakte ho and that's it for today's video. Agar aapko video aaj ki achhi lagi hogi to please don't forget to give this video a like, share with your friends and subscribe my channel and I'll meet you in the next video. Till then, bye bye.